सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि एक ट्वीट किया गया है Xiaomi की तरफ से, जहां पे आप लोगों को एक लैपटॉप देखने को मिल रहा है जिसके अंदर जो है आप लोगों को बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है। तो इस लैपटॉप का दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि नाम होना चाहिए मी नोटबुक 14 प्रो। एक और स्पेकुलेशन दोस्तों यहां पे ये भी की गई है कि मी नोटबुक 15 प्रो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बात करता हूं दोस्तों मैं इस लैपटॉप के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात दोस्तों, इस लैपटॉप को एज एन कॉम्पिटिटर लॉन्च किया जा रहा है और इसका कॉम्पिटिटर आप लोगों को देखने को मिलेगा Realme Book Slim, जो कि 18 अगस्त को आप लोगों को लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो Realme Book Slim के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि ये एक ऐसा लैपटॉप है जो कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे ज्यादा फोकस्ड है। दैट मींस आप लोगों को बेस स्पेसिफिकेशंस तो अच्छे खासे मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही में दोस्तों आप लोगों को जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है वो टॉप नॉच देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइसिंग जो होगी इसकी आप लोगों को कॉमन जो लैपटॉप्स होते हैं उससे ज्यादा देखने को मिल जाएगी। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पे ये लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला जो सेम लैपटॉप आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो सेम लैपटॉप बाहर के कंट्री में Redmi Book Pro 14 के नाम से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नाउ इंडिया में क्योंकि Redmi Book ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है एंड दे आर सम सॉर्ट ऑफ एन अफोर्डेबल ऑप्शन, तो इसका नाम जो है आप लोगों को बदला हुआ देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इसका नाम हो जाएगा मी नोटबुक प्रो 14। Anyway, if you are new to my channel, then definitely consider subscribing to my channel, friends. और friends, कुछ budget laptop की link मैंने आप लोगों को description box में दे दी है, आप वहाँ पे जाके उन्हें जरूर checkout कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, दो आप लोगों को configuration देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे friends, दो configuration आप लोगों को मिल जाएगी, जहाँ पे एक तरफ आप लोगों को Ryzen 5 और Ryzen 7 देखने को मिलता है और दूसरी तरफ आप लोगों को जो है यहाँ पे दोस्तों इंटेल की कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, जहां पे आप लोगों को i5 और i7 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बाय द वे दोस्तों, दीज आर 35 वॉट टाइगर लेक एच सीरीज प्रोसेसर, तो परफॉर्मेंस आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली है। ग्राफिक कार्ड के भी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। एक तरफ आप लोगों को इंटेल आईरिस एक्सी ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है और आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे NVIDIA की तरफ से MX450। Whereas अगर मैं यहाँ पे Ryzen की बात करूं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को AMD का Radeon ग्राफिक कार्ड ही देखने को मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा दोस्तों इसका बिल्ड। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फुल्ली चैसिस आप लोगों को देखने को मिलेगी। डिस्प्ले जो है दोस्तों 14 इंच की है, आप लोगों को 2.5K के रेजोल्यूशन के साथ में देखने को मिल जाएगी। 300 निट्स की पैनल ब्राइटनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। ट्रैकपैड आप लोग यहां पे देख पाएंगे फ्रेंड्स, कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बड़ा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर ही जो है आप लोगों को पावर बटन एम्बेड यहां पे देखने को मिल जाएगा। पोर्ट सिचुएशन के बारे में भी दोस्तों मैं यहां पे बात कर लेता हूं। तो पोर्ट सिचुएशन जैसे कि आप लोग यहां पे देख पाएंगे दोस्तों, एक तरफ आप लोगों को एक टाइप ए पोर्ट देखने को मिलेगा और एक ऑडियो जैक पोर्ट देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ आप लोग यहां पे देख पाएंगे फ्रेंड्स, एक आप लोगों को टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, HDMI पोर्ट और एक और टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है। नाउ एक चीज मुझे इस लैपटॉप में बहुत अच्छी लगी दोस्तों, चाहे आप इंटेल का ले लीजिए चाहे आप यहां पे AMD वाले मॉडल्स ले लीजिए, 16GB रैम आप लोगों को स्टैंडर्ड देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी चीज निकल कर आती है। 512GB की SSD आप लोगों को यहां पे जो है देखने को मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को दोस्तों Xiaomi की तरफ से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे जिसकी मदद से आप जो है अपने फोन को इजीली अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर पाए। तो वायरलेस जो है आप यहां से अपने चाहे डॉक्यूमेंट्स हुआ, वीडियोस हुआ, ऑडियो हुआ, वो इजीली आप लोग यहां पे इसको सेंड कर सकते हैं। तो यहां पे आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, और जो डिस्प्ले है दोस्तों उसका रेजोल्यूशन जो है आप लोगों को क्योंकि मैंने बताया देखने को मिल जाएगा दोस्तों 16 PPI जो है दोस्तों यहां पे आप लोगों को पिक्सल पर इंच देखने को मिल जाएगा। तो 14 इंच का पैनल आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रहा है, 16:10 का जो है दोस्तों यहां पे आप लोगों को एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है 100% sRGB के साथ में। आपके कोई भी डाउट्स दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। एंड फ्रेंड्स जहां तक बात करूं इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो फ्रेंड्स मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस यहां पे रहेगा इसका अबाउ 60,000 rupees एट ए बेस कॉन्फिगरेशन और दोस्तों उससे ज्यादा डेफिनेटली बात है 70 तक भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी इंटेल कोर i7 या फिर Ryzen 7 और इट आल्सो डिपेंड्स ऑन दी RTX 3050 ग्राफिक कार्ड। नाउ पिछले बार मैंने कुछ स्पेसिफिक यहां पे क्लेम किया गया था कि RTX 3050 वाला कोई ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स वो जो लीक थी वो कब आई थी, जब Redmi Book जो थी इंडिया में लॉन्च होने को आई थी उससे पहले आई थी। तो अब हो सकता है कि आप लोगों को यहां पे Mi Notebook Pro 15 देखने को मिले जिसके अंदर आप लोगों को RTX 3050 ऑप्शन देखने को मिले और OLED पैनल आप लोगों को देखने को मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।